कहा जाता है कि यह मंदिर 1200 साल से अधिक पुराना है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राजसी केदारनाथ शिखर 6940 मीटर अन्य चोटियों के साथ मंदिर के पीछे खड़ा है और क्षेत्र के दृश्यों को जोड़ता है। पत्थरों के बड़े भारी और समान रूप से कटे हुए ग्रे स्लैब से निर्मित संरचना एक उत्कृष्ट कृति है। शंक्वाकार शिव लिंगम को उनके सदाशिव रूप में भगवान के रूप में पूजा जाता है। यह सभी शिव मंदिरों के बीच मंदिर में एक अनूठी विशेषता जोड़ता है। गर्भगृह पूजा के लिए है और मंडप तीर्थयात्रियों और आगंतुकों की सभा के लिए है। केदारनाथ मंदिर कार्तिक अक्टूबर नवंबर के पहले दिन बंद हो जाता है और हर साल वैशाख अप्रैल मई में फिर से खुल जाता है। वर्ष के इस समय के आसपास हिमालय की निचली रेंज की बर्फीली चोटियों, घास के मैदानों और जंगलों के बीच भगवान शिव के नाम के साथ हवा गूंजती प्रतीत होती है। मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के तट पर बनाया गया है। केदारनाथ धाम के अन्य स्थान जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण है वे है गौरीकुंड, चोरबाड़ी ताल, भैरव मंदिर और वासुकी ताल। इतिहास और किंवदंतियों को देखते हुए कोई कह सकता है कि केदारनाथ वास्तव में है समय की कसौटी पर खरी उतरी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने रक्त संबंधियों की हत्या के अपराध से खुद को मुक्त करने के लिए भगवान शिव की मांग की थी। हालांकि शिव उन्हें उनके पापों से मुक्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गढ़वाल हिमालय में घूमने के लिए खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया। पांडवों द्वारा पाए जाने पर शिव कबूतर भूमिगत हो गए। भीम केवल अपने कुबड़ को पकड़ने में कामयाब रहा। बैल के रूप में शिव के शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। बैल का कुबड़ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, दो अग्रपाद तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में और बाल सामने आए कल्पेश्वर। इन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है, पांच पवित्र स्थान। किंवदंती है कि मूल पांडवों ने केदारनाथ के मंदिर का निर्माण किया था और वर्तमान मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर की महिमा को बहाल किया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रामबाड़ा केदारनाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव से मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ मंदिर तक 8 करोड़ का कांच का पुल बनाने की योजना की घोषणा की। यह गांव को पुनर्जीवित करने की एक परियोजना है जो बाढ़ से पहले भक्तों और आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय पड़ाव था। शिव के उपासक हर साल केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ शामिल है।